Morning. Today now start new video. 25 feet this side. Okay, and 37 feet this side. House plan. तो चलिए फिर start करते. तो यहाँ पर जो plan का जो outline है, इसको पहले हम draw करेंगे इधर. तो उसमें क्या-क्या है, तो आपको मैं दिखाऊंगा. ओके, देखिए जो यह इधर जो वॉल है, इस वॉल को हम पहले आपके साथ शेयर करेंगे. जो यहाँ पर जो है पार्टीशन वॉल, तो पार्टीशन वॉल में जो है 125 mm 5 inch का वॉल हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है. तो इसको जो हम अभी कर रहे हैं, ये सब पार्टीशन वॉल है, ठीक है. उसके बाद देखिए इधर भी हम एक आउटर वॉल, जो आउटसाइड का वॉल है, इसको हम ड्रॉ करेंगे इस पर. ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ रखे, देखिए हो गया इस पार्ट को. तो नेक्स्ट हम जाएंगे इस पार्ट में, दिखाएंगे क्या क्या चीज़ हम रखेंगे. ठीक है, यहाँ पर जो विंडो का पोजीशन है, हमने यहाँ पर रखा है, लेकिन ये विंडो सिर्फ आपको ऑप्शनल विंडो है. तो आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, क्योंकि इसमें जो आपका जो प्रोवाइड करने का जो जगह है ना विंडो, तो ये आपको हो सकता है बाहर का कोई जगह आपका नहीं है, तो आप इसको बंद कर सकते हैं. तो यही है प्लान का, और इस प्लान को आप मॉडिफाई कर सकते हैं. इस प्लान को हम सिर्फ आपको एक जो कैसे होता है प्लान, इसको हम दिखाने के लिए इसको बनाया है. आपको लगता है हाँ, आप इस टाइप का प्लान में आपका घर बनेगा तो आप इसको ले सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा. आप इसको कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं. तो मॉडिफाई कैसे करेंगे वो भी आप खुद एक बार, आपका खुद नॉलेज है तो आप उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इधर से उधर, क्योंकि हो सकता है मेरे से भी अच्छा नॉलेज आपके पास हो सकता है. कभी कभी होता है आपका भी दिमाग में कुछ अलग टाइप का नॉलेज हो सकते हैं, तो अब उसको इधर अप्लाई कर सकते हैं. एक प्लान सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए हमने यहाँ पर बनाया है. मुझे लग रहा है ऐसे होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है. तो यहाँ पर जो देखिए येलो कलर का जो कलर हम यहाँ पर किया है, ये सिर्फ आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन, विंडो या वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर इसको मार्क किया है. आउटसाइड और इनसाइड वॉल हमने 125 mm का रखा है. तो ये हमने कर दिया है प्लान का डिटेल्स के बारे में. उसके बाद हम जाएंगे इसका डिटेल्स क्या है इसमें 25 में 37 में. पहले देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर हम एक गेट प्रोवाइड करेंगे. गेट तो यहाँ पर रहेगा एक पोर्च. तो पोर्च देखिए जैसा है ऐसे ऐसे पोर्च रहेगा. इधर से पोर्च के अंदर से हम जाएंगे घर के अंदर, और उसके बाद हम इसको जाने के बाद इधर हम रखेंगे एक वेटिंग रूम, जहाँ पर हम घर के अंदर आने के बाद इधर वेट करेगा. बाहर से कोई आदमी आएगा तो 6 feet 9 inch का इधर और इधर 8 feet का एक डिस्टेंस रहेगा, ऐसा एक रूम रहेगा. उसके बाद इधर एक डोर प्रोवाइड करेंगे आप. उसके बाद अंदर आएगा, अंदर आने के बाद यहाँ पर डाइनिंग, काम, ड्राइंग का ऑप्शन रहेगा. तो इसमें हम 13 feet और इधर 11 feet 10 inch ऐसा एक हम रूम रखेंगे इधर उधर. इसके बाद हम इधर डोर रखेंगे. यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. तो इसका जो डिस्टेंस है 13 feet और इधर जो डिस्टेंस है इसका 12 feet. उसके बाद देखिए वह डोर, यहाँ पर एक हम बैल्कनी प्रोवाइड करेंगे. तो बैल्कनी जो है इधर 4 feet का वाइड एक बैल्कनी है और इधर जो है 7 feet. और इसके बाद डोर यहाँ पर एक टॉयलेट प्रोवाइड करेंगे जो घर के साथ अटैच रहेगा. इधर हम रखेंगे 3 feet 7 inch और इधर रहेगा 5 feet. इधर एक वेंटिलेशन हमने रखा है. तो हम मास्टर बेडरूम में एक टॉयलेट और एक बेल्कनी रखा है. उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर ड्राइंग डाइनिंग के बाद इधर हम जाएंगे, इधर विंडो रखेगा डोर. इधर एक और एक बेडरूम हम यहाँ प्रोवाइड किया है बेडरूम. तो इसका भी हमने जो मेज़रमेंट रखा है वो भी स्टैंडर्ड है, 10 feet 9 inch और इधर जो डिस्टेंस है 11 feet.
10 इंच ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर एक पैसेज रखा है हमने 4 फीट 8 इंच डिस्टेंस में इधर रखा है स्टेयर, तो स्टेयर हम इधर से स्टार्ट करेंगे आप इधर डोर, तो स्टेयर का जो पार्ट इधर रहेगा 7 फीट 6 इंच, ट्रेड और राइजर का जो हाइट विथ और हाइट, तो ट्रेड आपका आएगा 10 इंच का और राइजर आएगा 6 इंच का ठीक है, और इधर है 6 फीट 6 इंच। इधर लैंडिंग, ओके तो स्टेयर आप इधर से आएगा, स्टेयर हो जाने के बाद हम इधर रखेंगे किचन, तो किचन में जो है 8 फीट 7 इंच और इधर जो है 4 फीट 7 इंच। उसके बाद इधर देखिए एक वॉश बेसिन रखने का जगह हमने यहाँ पर रखा है, तो उसके बाद यहाँ पर डोर, यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन, तो इसका 8 फीट 7 इंच और इधर जो जगह है 4 फीट 7 इंच। तो देखिए इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इस बात को आप इधर ले सकते हो, ले करा सकते हो, इसको इधर ले जा सकते हो। तो इसमें हमने सेप्टिक टैंक रखने का जगह रखा है, तो इसमें जो है 11 फीट 2 इंच और इधर जो है 5 फीट, ऐसे सेप्टिक टैंक का जगह हमने यहाँ पर रखा है। आप हो सके तो इस यहाँ पर सेप्टिक टैंक प्रोवाइड कर सकते हैं या कोई इसको मॉडिफाई करके इधर ले सकते हो ठीक है। तो ये जो प्लान है आप देख रहे हैं अभी, ये प्लान सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो आपको अगर लगता है कोई मॉडिफिकेशन है आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं आपका ऐसे ही करना पड़ेगा ठीक है, ये आपका मर्जी, हम सिर्फ आपको एक आइडिया यहाँ पर दिया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो देखिए इसका जो आउटसाइड वॉल है इसको हमने 5 इंच वॉल रखा है, इनसाइड का वॉल भी हमने 5 इंच वॉल रखा है, तो आप इसको 10 इंच कर सकते हैं आउटसाइड में, तो इसका आपका जो इधर जो मेजरमेंट है ये भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर जो है आपका कॉलम, हम ऐसे कॉलम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ठीक है, तो ऐसे हम कॉलम प्रोवाइड करेंगे, इधर ऐसे हम कॉलम प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसे हम करेंगे इधर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कॉलम इधर जो है इधर हम करेंगे, इधर तो आ गया, इधर उसके बाद कॉलम आएगा, इधर एक कॉलम आएगा, तो उस टाइम इधर हमको कॉलम चाहिए, जो कॉलम का जो साइज है इधर 10 इंच बाई 12 इंच का कॉलम यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद इस जो प्लान है इसका कितना देखिए मेजरमेंट है 25 × 37, इसका टोटल स्क्वायर फीट कितना है 925 स्क्वायर फीट। आपके पास अगर 1000 या 925 स्क्वायर फीट का कोई भी प्लॉट है, कोई भी घर में रहने का जगह है, तो आप इस टाइप का प्लान देख सकते हैं, आपको अगर लगता है अच्छा है तो आप इस टाइप का प्लान बना सकते हो, नहीं तो आप नहीं खुद भी इसको मॉडिफाई करके और भी प्लान बना सकते ठीक है। तो और एक बात, ये जो मैंने प्लान किया था ये वेस्ट साइड का फॉन्ट है, वेस्ट ठीक है, यहाँ पर ईस्ट, तो ये रिक्वायरमेंट था का मेरे क्लाइंट का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना।